Namaskar, good evening and welcome to Tata Ace Gold presents Zindagi ke Crossroads. आज जब मैं घर से निकलने वाला था यहाँ आने के लिए मेरी बेटी जो हॉल में बैठी थी उसने कहा डैड वेयर यू गोइंग तो आई सेड मैं शूटिंग पे जा रहा हूँ शी सेड आज मत जाइए तो ऐसे क्या ये क्या बात हुई मैं तो हर रोज शूटिंग पे जाता हूँ आज भी जाना पड़ेगा तो ये डैड प्लीज ना आज मत जाइए कहीं ना कहीं मुझे महसूस हुआ कि शी रियली डजंट वॉन्ट मी टू गो वो चाहती थी कि आज मैं उसके साथ रहूं एक ही बेटी है मेरी तो जाके बैठा उसके साथ और पूछा इज एवरीथिंग ओके फिर उसको समझाया उसका हाथ पकड़ के कि देख मुझे जाना पड़ेगा मेरे लिए बहुत सारे लोग वेट कर रहे हैं लेकिन दो दिन बाद छुट्टी का दिन है सारा दिन मैं तेरे साथ रहूँ शी अंडरस्टूड शी स्माइल्ड मेरे को किस की और फिर मुझे जाने की इजाजत दी जब मैं बाहर निकला तो मुझे एहसास हुआ कि कभी कभी पिताओं को भी अपनी बच्चों से परमिशन लेनी पड़ती है टू डू समथिंग आज की कहानी भी कुछ इस तरीके की है पहले दिखाता हूं फिर चर्चा करेंगे आइए देखते हैं Good morning, Aarav. I wish you a very happy birthday. Papa. तो आपको आपका गिफ्ट नहीं चाहिए? क्या लाया मेरे लिए? Guess what? अरे थैंक यू पापा आप दुनिया के बेस्ट रेसिपी प्रशांत पापा हो हाँ थैंक यू तो ठीक है क्या कहा था मैंने ओ हाँ नाउ We will play the piano. Come. Okay. Now, this is A minor. अच्छा सुन फटाफट तैयार हो जा शाम को घर पे तेरी भाभी की छोटी बहन आने वाली है हाँ। सुंदर है सुशील है और सब कुछ है जैसे तेरे लिए होनी चाहिए अच्छा मैं तो कहता हूँ कि तुम दोनों एक दूसरे को देख लो और अगले महीने शादी कर डालो अरे दोस्त से साड़ू भाई बन जाएंगे हम नहीं इरादा नहीं कहते ना तो क्या है ना मेरी जिंदगी में अरब के अलावा किसी के लिए जगह ही नहीं नहीं और सच बताऊं तो मैं नहीं चाहता कि किसी अनजान औरत को मैं ऐसी सिचुएशन में डालूं कि उसे मेरे बच्चे की देखभाल करनी पड़े यू नो व्हाट आई मीन नहीं नहीं देख इट्स अनफेयर ऑन हर यार तो इसको छोड़ दे यार कपूर तो बड़ा अजीब आदमी और वैसे भी तुझे भी जीवन साथी की जरूरत तो है ना अकेला कब तक रहेगा यार तू और एक ना एक दिन आरव भी तो बड़ा हो ही जाएगा तब अपने जीवन का खालीपन कैसे भरेगा तू मेरे जीवन में खालीपन है ही नहीं संध्या की यादें हैं ना जल्दी चली गई पर जिंदगी भर की खुशियां दे गई आरव के रूप में अब बस मैं और आरव यही हमारी दुनिया है और हम दोनों के बीच किसी और की जगह ही नहीं है
क्या पिता को अपने बेटे के लिए दोबारा शादी करनी चाहिए? क्या ऐसा सोचना ठीक है कि सौतेली माँ हमेशा बुरी ही होती है? कौन, इनको दे दीजिए। हाय, बोलिए। सर, मेरे फादर भी सिंगल फादर है, उनका बेटा हूं मैं। सर, मेरा ऐसा मानना है कि शादी नहीं करना चाहिए। क्या होता है सर, जब भी कोई नया पर्सन लाइफ में आता है और बाप बेटा या बेटी का जो प्यार होता है आपस में कम हो जाता है, जिस तरह की जो हमारी माँ होती है, असली में माँ होती है, उस तरह से हम उसे ले नहीं पाते, एक्सेप्ट नहीं कर पाते। तो मेरा कहना है कि बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए सर। तो तो आपका पॉइंट वैलिड है, लेकिन आपने कभी सोचा है कि आपके पिता को अगर कंपेनियन की जरूरत पड़े तो? सर बिल्कुल पड़ सकती है, लेकिन शायद मैं थोड़ा सेल्फिश हूँ इस मामले में कि मेरे उनका जो प्यार है मेरे पति प्रति वो बिल्कुल कम हो जाएगा। इनको जरा माइक दे दीजिए प्लीज, बोलिए। मेरे हिसाब से सेकंड माँ कभी भी अच्छी नहीं हो सकती, क्योंकि जब तक खुद का बच्चा नहीं, उसको जब उसको खुद का बच्चा होता है तो उसमें दोनों बच्चों में उसमें एक बार वो करती है। मेरे हिसाब से अगर सेकंड माँ है तो वो अपने उसके फादर की पत्नी हो सकती है, बीवी हो सकती है, घर में बहू हो सकती है, किसी की भाभी हो सकती है, किसी की चाची हो सकती है, लेकिन माँ तो नहीं हो सकती। ओके, आई एम टोटली अगेंस्ट विद री मैरिज। बाप भी बेटे को माँ का प्यार दे सकता है। पापा चाहे उनको अच्छे से अच्छे गिफ्ट दे दें, चाहे अच्छे से अच्छे घर में रख लें, पर जो इमोशनल नीड होती है ना एक माँ की, वो शायद वो कभी पूरी नहीं कर पाते। जो सिंगल पेरेंट्स होते हैं, यू नो, दे ट्राई द लेवल बेस्ट कि वो दोनों की कमी पूरी करें, बट कहीं ना कहीं वो रह ही जाता है। हाय, आपका नाम? मेरा नाम आशीष है। हाँ जी, बोलिए आशीष जी। पहला स्कूल बच्चे का माँ होती है, ये उसका अधिकार है। पिता को उस दूसरा विवाह करना चाहिए। अर्धांगिनी नाम दिया गया है बीवी को, तो अर्धांगिनी एक ऐसी चीज है जो बिल्कुल आपके आधे अंग तक साथ रहती है। उस टाइम पे ना आपका माँ बाप भाई बहन कोई नहीं होता, सिर्फ अर्धांगिनी होती है जिसका आधा अंग आपको मिला है। हाँ हाँ हाँ, एक मिनट, मैं एक चीज सबको याद दिलाना चाहूंगा, यहाँ पर कोई भी सही नहीं है, कोई भी गलत नहीं है, सबका अपना अपना नजरिया है, सब अपने नजरिए से सही हैं। हम लोग सिर्फ चर्चा करने आए हैं, अपनी अपनी राय देने आए। इनको बहुत टाइम से कुछ कहना था। हाय, थैंक यू फॉर योर पेशेंस। तो सर इतने व्यूज हो चुके हैं सबके सुन सुन के सर। हाँ, मतलब ये शो ही ऐसा है यार। यस सर। हाँ, अब बच्चा जो है, बच्चा भी 10 साल की उम्र में है, तो अगर उसको मतलब माँ का प्यार दिया जाए, अगर कोई सौतेली माँ की बात कर रहे हैं, माँ का प्यार दिया जाए तो तब मैनेज कर सकता है। अगर बच्चा एडल्ट हो जाए, मैच्योर हो जाए, अगर उस टाइम कोई सौतेली माँ आती है, उसके साथ कंफर्ट होना थोड़ा मतलब डिफिकल्ट है। आप ये कहना चाह रहे हैं अगर शादी करनी चाहिए पिता को तो अभी करनी चाहिए, बाद में नहीं, ऐसा अभी करनी चाहिए सर। उम्र कम है तेरी, लेकिन सोच अच्छी है। एक मिनट, बोलिए सर। मेरा मानना है कपूर सर को शादी कर लेनी चाहिए। कर लेनी चाहिए, क्यों कर लेनी चाहिए? क्योंकि देखो, बच्चे को माँ की जरूरत है और कपूर साहब को बीवी की जरूरत है, दोनों का काम हो जाएगा, उनको माँ मिलेगी और उनको बीवी मिल जाएगी। सर उन्होंने बोला कि बेटा और बाप दोनों का काम हो जाए, लेकिन उसको आगे मैं जब बढ़ाता हूँ, ये सोच भी गलत है सर। क्यों? मुझे बताओ, आपको आपकी बेटी से प्यार है? जी बहुत प्यार है। जी बहुत। हाँ तो ठीक है, मैं बोलता हूँ। हाँ। आगे चलता हूँ सर, आपके साथ चलता हूँ। अगर सोचो कि वो सौतली माँ ने जाने अनजाने में उस लड़की को थोड़ी सी भी तकलीफ दे दी, तो आपको दिल को लगेगा? लेकिन सर, शादी करी लाया उसके बारे में बोल रहा हूँ। एक मिनट, क्वेश्चन समझे। एक मिनट, मैं आपको एक चीज बोलूँ? बोलो। मेरा एक दोस्त है, जी हाँ, बॉम्बे में ही रहता है, जी हाँ, जिनकी सिचुएशन में सेम चीज है। उनके अब पहले से एक बीवी थी जो गुजर गई, एक बेटी थी, और अब दूसरी शादी करने के बाद जुड़वा बेटे पैदा हुए हैं, तो अब 3 बच्चे हैं। वो सौतेली माँ उस बेटी को ज्यादा प्यार करती है और अपने जुड़वा बच्चों को कम। सर हो सकता है, ये हो सकता है सर, ये हो सकता है, लेकिन बहुत कम हो सर, बहुत कम। तो सर आप बोल रहे सर बहुत कम होगा सर, बहुत कम होगा। एक मिनट, आप भी एक, सॉरी वन सेकेंड, आप बोलिए। मैंने खुद ऐसा एग्जांपल देखा है जिसमें स्टेप मदर थी, उनकी शादी हुई,
एंड अगेन उनको भी दो बच्चे हुए बट उसके अलावा जब एट द टाइम आया प्रॉपर्टी डिविजन का तो जो उनका स्टेप बेटा था उसको ज्यादा प्रॉपर्टी दी गई इंस्टेड ऑफ उन दो बेटों को ज्यादा प्रॉपर्टी देने की. अनिल कपूर जी का बेटा पिक्चर आपने देखा है? अभी हम फिल्मों की बात करेंगे. हमारा प्रसिप्शन ये बन चुका है फिल्मों को देखकर कि अगर सौतेली माँ आएगी तो वो खराब ही होगी, पर जरूरी नहीं है कि वो खराब हो. सर वो हजारों में एक बोले तो चलेगा? सर हजारों में एक है, हजारों में एक है. एक मिनट, हजारों में एक नहीं, इसी ऑडियंस में एक से ज्यादा है. अच्छा एक मिनट बोलिए. बहुत से लोगों ने कहा कि शायद दूसरी माँ आ जाएगी तो वो प्यार नहीं रहेगा जब अपना बच्चा होगा, लेकिन आई एम अ एग्जाम्पल के मेरे पापा थे जब भी उनकी पहली वाइफ जो मर गई एक्सपायर्ड. He had three daughters. Okay. And the last one was 6 months. My papa, remarried. Okay. Aur meri maa to your mother? Yeah. Okay. To my mother. Yes. And gave the responsibility to... Tabhi hum log nahi the. Haan, toh teen bachche ki responsibility di na? Ladkiyo ki responsibility unko di. Aur meri maa ne aake unko itna pyaar diya hai. जितना हमको नहीं दिया है. देखिए सर, जिनको उसने ये भी नहीं सोचा कि कल मेरी लड़कियां है. वी आर टू सिस्टर एंड वन ब्रदर. माँ ने बड़ा किया, शादी की तीनों की, हम तीनों की शादी की. नाउ शी इज नो मोर. उन तीनों की और आप तीनों की, मतलब 6 टोटली. वाओ वाओ सुपर. और आज हम लोग 6 जो रहते हैं साथ में, वी आर टुगेदर लाइक बॉन्डिंग हमारी जो है, जो बड़ी 3 बहनें हैं हम लोग उसे माँ कहते हैं. क्या क्या बात है. अभी भी आपको लगता है कि ऐसा बस हजारों में एक बार होता है? सर सर जी बोलिए, मैं इनो के साथ जो हुआ ना, तो मैं गॉड को प्रे करूंगा कि हर एक की लाइफ के अंदर, हर संसार में इसी तरह से होए, तो एक शो करने की भी जरूरत ना पड़े सर हमें. अरे वाह, सवाल पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी. थैंक यू. क्या पिता को अपने बेटे के लिए सौतेली माँ लानी चाहिए? देखते हैं आगे क्या होता है, फिर बहुत सारी बातें करेंगे. आइए देखते हैं. श्राया मैडम, तुम मुझे बहुत एक्सप्लॉइट कर चुके हो. मैं तुम्हें 12 साल से जानता हूँ. पहले स्कूल, फिर कॉलेज, फिर जॉब में हम साथ थे. व्हाट आई एम थिंकिंग, हमें अपना रिलेशनशिप एक नॉच ऊपर कर देना चाहिए. अच्छा, अब वो कैसे? ओके. मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ ध्वजा, मंगलम कुंडली काक्षाय, मंगलम तनो हरि. हो गया तुम्हारा? अच्छा नो सीरियसली, आज तक तुमने अपने पापा से मेरे बारे में बात भी की है? तो क्या कह के मिलवाओगी उनसे? मिलिए पापा, मिलिए अपनी बहू से, ये कहोगे? अरे इसमें कौन सी बड़ी बात है. और मेरे पापा कौन से हिंदी फिल्मों के विलेन हैं जो हमारे प्यार के बीच में आ जाएंगे? अरे कोई अर्जेंट काम होगा ना, उठा लो एक बार. नहीं बाबा, पापा यूं ही दिन में 20 बार कॉल करते हैं. उन्हें तो अब भी ये लगता है कि मैं बच्चा हूँ. घर जाके बात कर लूंगा उनसे, क्योंकि अभी तो मेरा आशिकी टाइम है. आरव, फोन नहीं किया तुमने? खैर छोड़ो, सुनो एक धुन आई है दिमाग में, सुनाता हूँ. चलो ना, चलो. पापा 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 रिलैक्स, इधर आओ आप. इधर आओ आप, आओ इधर बैठो बैठो. पापा आप फोन तो ऐसे कर दो जैसे कोई भूचाल आ गया हो. बापू तुम्हारा यार. चलो फोन नहीं करूंगा, बट धुन तो सुन लो.
पापा दोनों बाद में सुनूंगा, पहले आप मेरी बात सुनो। खाना खाया आपने? कैसे खाऊंगा? बिरयानी बनाई थी तुम्हारे लिए। आप धुन भी नहीं सुन रहे हो? पापा ये आपके लिए दवाइयाँ, आप टाइम से खा लेना। पापा आपको दवाइयाँ टाइम से खाना याद तो रहेगा ना? मैं कल 6 महीने के लिए ऑस्ट्रेलिया जा रहा हूँ। ऑस्ट्रेलिया 6 महीने के लिए? हाँ, ऑफिस के काम से जा रहे होंगे। गुड, अच्छा है। ऐसे करो, मुझे भी साथ ही ले चलो। नहीं नहीं, आई गॉट अ बेटर प्लान। तुम पहले चले जाओ और सेटल डाउन हो जाओ। हाँ, मैं 2 हफ्ते के बाद आता हूँ। दैट इज बेटर प्लान। पापा ये बॉटल आपके लिए, आपको दिन में कम से कम 4 लीटर पानी पीना है। और कभी मेरी याद आए तो 2 घूंट लगा लेना। मैं चाहता हूं कि आप इंडिपेंडेंट हो जाएं। आप यहां पे अपनी लाइफ जिए और वहां मैं अपना काम करूं। और आपको याद है मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि आपको फरारी दिलाऊंगा, भूल गए आप? कौन भाई साहब आप? और मेरे पापा कहाँ हैं? आरव, तुम कब आए? Did you come? पापा, I love you so much. भाई तो आप कितने यंग लग रहे हो। क्या बात है? नहीं कोई खास बात नहीं है, वैसे फिटनेस का ट्रेंड चल रहा है तो मैंने सोचा मैं थोड़ा ट्रेंडी हो जाता हूँ और थोड़े से। नॉट बैड पापा, अगर मुझे पता होता ना आप इतने फिट और इतने यंग हो जाओगे मैं तो कब का ऑस्ट्रेलिया निकल चुका होता। गुड टू सी यू पापा। चलो ये बताओ बर्थडे का क्या प्लान है? आई होप हर साल की तरह तुम्हारे पापा इस बार भी कोई सरप्राइज प्लान कर रहे है ना? अच्छा आरव, मैं क्या सोच रही थी, फॉर अ चेंज क्यों ना तुम अपने पापा को कोई गिफ्ट दो इस बार। हाँ, कैसा आइडिया बताओ? बहुत अच्छा आइडिया है, सीरियसली बहुत अच्छा आइडिया है। Morning, Aarav. I wish you a very happy birthday. Thank you, Papa. Thank you so much, Papa. Oh, sorry. भैया. Right. अच्छा तुम्हें तुम्हारा गिफ्ट नहीं चाहिए? क्या है गिफ्ट में? Ta-ta-ra. Wow, watch. पापा आपको कैसे पता चला? पता मैं सेम वॉच देख रहा था लेकिन ले नहीं सका। बाप हूं तुम्हारा, बेटे के दिल की बात जानने का एक खास टैलेंट होता है हम लोगों। वो तो है। अच्छा सुनो, तुम्हारे बर्थडे के लिए ना एक नई धुन बनाई है, सुनो कब। अरे कम ना, हुँ।
वेरी नाइस पापा, मैं आपका गिफ्ट तभी एक्सेप्ट करूंगा जब आप मेरा रिटर्न गिफ्ट एक्सेप्ट करेंगे. नहीं नहीं, ये बेटा जो मुझे चाहिए ना वो तुम इतनी आसानी से नहीं दे पाओगे. इट्स वेरी डिफिकल्ट. तो रहने देते. क्या बात है पापा? नहीं वो, हाँ बोलिए ना. वो मैं फिर से शादी करना चाहता हूँ. देखो बेटा, ऐसे जब तुम ऑस्ट्रेलिया गए थे ना तो मुझे कोई मिली थी और कुछ अरसे के बाद हम मिलते रहे और एक दूसरे के करीब आ गए. तुम परमिशन दे दोगे तो आसान हो जाएगा. मुझे लगा था मेरी माँ की जगह कोई नहीं ले सकता, लेकिन आई वॉज रॉन्ग. यहाँ बेटे की शादी की उम्र हो रही है और वहां वो सहरा पहनने की तैयारी कर रहे हैं. अरे लोग क्या कहेंगे? पापा इतने सेल्फिश निकलेंगे, मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था. आरव सुनो मेरी बात, सुनो तो सही मेरी बात. देखो गुस्सा मत हो, थोड़ा ध्यान से सोचो. हम वैसे भी शादी के बाद अब्रॉड जाने वाले हैं ना, तो पापा को थोड़ी ना साथ में लेके जाएंगे. तो बेहतर यही है कि पापा शादी करके यहीं पर रह जाए और हम दोनों एकदम टेंशन फ्री होकर बाहर सेटल होंगे, खुश रहेंगे हम ऐसे. बताओ अच्छा आइडिया है ना? शनाया तुम बात तो सही कह रहे हो, लेकिन मेरे लिए बात डाइजेस्ट करना बहुत डिफिकल्ट हो रहा है. मेरी माँ की जगह कोई और. आरव देखो मेरी बात सुनो, माँ बाप सारी जिंदगी अपने बच्चों के लिए कुर्बानियां देते रहते हैं. बच्चों को भी बहुत मुश्किल से मौका मिलता है उन कुर्बानियों का कर्ज चुकाने का. तुम्हें ये मौका मिला है आरव, मत गवाओ इसे. एक तरफ आरव अपनी शादी के बारे में सोच रहा है तो वहीं उसके पापा भी अपनी शादी के लिए उससे परमिशन मांग रहे हैं. अब क्या करना चाहिए आरव को? कोई है जो इस वक्त सोचता है कि नहीं उनको शादी नहीं करनी चाहिए? ओके बोलिए. सर हम कितने भी खुले विचारों के हो जाएं, लेकिन एट द एंड हमें रहना है समाज के बीच में सर. और हमारा समाज जो इंडिया में हम जो रहते हैं वो इस चीज की इजाजत बिल्कुल भी नहीं देता है. आरव ठीक है इंडिया के बाहर चला जाएगा, लेकिन उसके पापा को आखिरकार रहना इंडिया में है, समाज के बीच में ही रहना है. तो मुझे लगता है बहुत डिफिकल्ट है उनके लिए इस तरह से रहना और इस एज में. ओके एक मिनट. कौन कौन इसकी बात से सहमत है? बिल्कुल नहीं सर, कोई भी नहीं. बिल्कुल भी नहीं. अगर सर समाज की बात करनी है तो आज कितने बच्चे अपने माँ बाप को ऐसे ही छोड़ देते हैं, तब समाज कुछ नहीं बोलता. कितना बोलता है तो भी क्या कौन बच्चा सुनता है? नहीं तो आज ओल्ड एज होम नहीं होते जो इतने ज्यादा चल रहे हैं. मैम मैं एक बार फिर से सबको पूछना चाहूंगा, अभी भी यहाँ पर कौन कौन है जो ऐसा सोचता है कि नहीं उनको शादी नहीं करनी चाहिए? ओके उनको दीजिए. हाँ सर क्यों नहीं करनी चाहिए? सर मेरे हिसाब से वो छोटा था तभी शादी कर लेते तो बहुत अच्छा होता सर. अभी सिंस जो बेटे के दिमाग में बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन आ रखे हैं, पापा करेंगे तो जैसे वो भी सोच रहे हैं कि समाज की सोचेगा, जैसा बेटा भी सेल्फिश हो रहा है थोड़ा. ओके थैंक यू. सर आई जस्ट वांट टू मेक वन स्मॉल पॉइंट हियर, जस्ट वन स्मॉल पॉइंट. यस कि इन लोगों को देखते हुए मुझे लग रहा है कि मेरी जनरेशन के होंगे. अगर इतनी यंग जनरेशन समाज के बारे में सोच रही है और ये सोच रही है कि समाज क्या सोचेगा, सोसाइटी क्या सोचेगी, अगर ये लोग बोलने लग गए तो आई डोंट नो आगे की जनरेशन का क्या होने वाला है.
हाँ सर, आप क्या कहेंगे? मैं कहना चाहूंगा सर कि जो अकेलापन होता है ना सर, वो आदमी को अंदर ही अंदर खाया जाता है। उसने उनके बच्चे के लिए जो कुछ करना था कर लिया, बच्चा तो उसके साथ में रहता नहीं है, लेकिन उसको अकेला रहना पड़ता है सर। आप तो अगेंस्ट थे ना पहले? अभी आया हूँ सर मैं। अच्छा, आपने पलटा है अपना? नहीं, तब छोटा था तब मैं बोला कि नहीं ठीक है, लेकिन अभी बेटा खुद सेटल होना चाहता है, वो भी डैडी के साथ में नहीं रहना चाहता है, वो बाहर जाना चाहता है, तो यहाँ तो अकेला रह जाएगा। चलो, अपनी अपनी राय बदल दी, इसमें भी अच्छी बात है। थैंक यू, थैंक यू। हाँ सर, आप कुछ कहना चाहेंगे? यहाँ पर अभी सब लोग बता रहे थे कि करनी चाहिए। हाँ जी, यहाँ पर बोलना सर बहुत आसान है। हाँ, कि इनको अपने डैड को परमिशन देनी चाहिए। हाँ, जब यही सिचुएशन हमारे घर में होती है ना। हाँ, तब ये सिचुएशन सारी बदल जाती है। कौन परमिशन देगा अपने 60 साल के बूढ़े बाप को कि ये शादी कर ले? मैं दूंगा। आप सर एग्री विद, आई विल एग्री विद यू। कौन कौन देगा? पर जब ये घर में सर होता है ना प्रॉब्लम, जो जो सिचुएशन होती है ना, क्या ये बाप बच्चे पैदा करेगा, ये शादी करेगा? एक मिनट, इनको लड़का होगा, प्रॉपर्टी का क्या होगा? बहुत सारी डिस्कशन होती सर। हमारे देश की नहीं पर पूरी दुनिया की एक एक प्रॉब्लम है कि बूढ़े लोग ना काफी लोनली होते हैं, उनको कंपेनियनशिप की जरूरत होती है। तो बूढ़े लोग अगर शादी उस उम्र में करें, जरूरी नहीं कि सिर्फ बच्चे पैदा करने के लिए कर रहे हैं। वो उनका दृष्टिकोण, ये बच्चों का दृष्टिकोण मैं बता रहा हूँ। कभी ये करेंगे समाज क्या कहेगा? पहले तो समाज की बात हुई, पर सर डिसीजन लेना बहुत समाज में, पर सर समाज नहीं, समाज की बात नहीं कर रहा हूँ सर। मैं आपको एक चीज पूछता हूँ, आपके पिता अगर आपको ऐसा पूछते आप क्या बोलते? मैं ना बोलता। ना बोलते? ना बोलता, क्योंकि इस पोजीशन में जब घरों में डिस्कशन होता है 90% इस समाज में ना ही होती है। ओके, ठीक है, थैंक यू सर। एक काम करते हैं, देखते हैं आगे क्या होता है। थैंक यू शनाया, तुमने मुझे रियलाइज करवा दिया सेल्फिश पापा नहीं मैं हो रहा हूं, और पापा का भी तो हक है खुशियों में, और मैं कौन होता हूँ पापा की खुशियों के बीच आने वाला। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच पापा। अगर एतराज ना हो तो उनसे मिलवा भी दीजिए, जिनके घर मुझे अपने बाप की बारात लेके जानी है। तुम मान गए आरव? आई कांट बिलीव दिस मैन, क्यों नहीं मिलवाऊंगा ना, जरूर मिलवाऊंगा। आई एम सो सॉरी आराधना जी, लेट हो गया। दैट मस्ट बी शनाया। प्रशांत, हाउ नाइस टू सी यू। भाई बड़ी तारीफ सुनी है तुम्हारे बारे में, वो बता रहे थे। अरे बेटा आओ ना। आराधना जी और उनकी बेटी शनाया, वो बताया था ना मैंने तुम्हें। वैसे सब कुछ इतनी जल्दी हो गया ना कि यू नो हम तुम्हारी माँ हिम्मत ही नहीं जुटा पाई होंगी तुम्हें बताने के लिए। एक्चुअली मैंने ही इन्हें कहा था तुम्हें यहाँ ले आए, ताकि हम अपनी दिल की बात तुमसे कह सकें। और क्या है ना, शादी के बाद हम एक ही साथ रहने वाले। जिंदगी कभी कभी ऐसे दोहराए पर खड़ी होती है जिसमें एक फैसले की कीमत भी बहुत बड़ी होती है। ऐसे ही एक दोहराए पर आरव खड़ा है, उसे किसका प्यार चुनना चाहिए, आइए इस पर चर्चा करते हैं। बहुत लोग कुछ बोलना चाह रहे हैं, बाप रे। ओके ओके प्लीज, हाँ इनको माइक दीजिए कोई। यस, आई विल नॉट से कि आरव अब मिस्टर कपूर और आराधना जी की शादी करा दे। मुझे ऐसा लगता है पहले आरव और उसकी गर्लफ्रेंड को शादी कर लेनी चाहिए, देन बीइंग हस्बैंड वाइफ उन दोनों को ये चीज़ डिस्कस करनी चाहिए, और फिर आराधना जी और मिस्टर कपूर की शादी होनी चाहिए। बट पहले आरव okay, और एक मिनट, अगर ऐसा करें, अगर वो ऐसा एक मिनट, आई नो रिलेशन अलग हो जाएगा, वो भाई बहन हो जाएंगे अगर पहले आराधना जी और मिस्टर कपूर की शादी होती है तो। इसीलिए पहले आरव और गर्लफ्रेंड के लिए, इन माय ओपिनियन। ओके, शी वांट्स टू से समथिंग। यस, हाय।
मेरे ख्याल से पेरेंट्स अगर शादी करते हैं तो वो लोग दोनों आमने सामने हमेशा रहेंगे और वो सिचुएशन और भी ज्यादा क्रिटिकल हो सकती है. अगर वो बच्चे शादी करते हैं तो पेरेंट्स अलग रह के साथ मतलब बातचीत करके अपना कर सकते हैं, लेकिन बच्चों को शादी करनी चाहिए, पेरेंट्स को नहीं करनी चाहिए. थैंक यू. कोई और? हाय हाय बोलिए. अगर देखा जाए जो हमारी मुस्लिम कम्युनिटी है या पारसी कम्युनिटी है उसमें सेम ब्लड ग्रुप में शादी होती है. सो आई थिंक दे शुड गो विद देयर रिस्पेक्टिव पार्टनर्स. शादी करनी चाहिए एंड समाज के बारे में बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए. थैंक यू. हाँ एक मिनट. हाँ सर, इनको जरा माइक दे दीजिए. यस सर. सर जैसे कि थोड़ी देर पहले सब बता रहे थे कि समाज के बारे में नहीं सोचना चाहिए, सर मेरा कहना है क्या साथ रहने के लिए शादी करना जरूरी है? बिना शादी के ये भी तो वो लोग साथ में रह सकते हैं और जो उनका बेटा है वो शादी कर सकता है. जब समाज की सोच ही नहीं रहे तो फिर शादी का क्यों सोचें हम? वैलिड है, वैलिड है. ओके एक मिनट इनको दे दीजिए माइक. हाँ क्या कहना, आपका नाम? नीलम. हाँ नीलम जी बोलिए. सर क्योंकि बेटे को तो मतलब दूसरी गर्लफ्रेंड मिल जाएगी. अरे वाह, ऐसा कैसा? वैसी बात नहीं है, अभी वो यंग है, अभी वो यंग है, पर अभी बाप का कैसा है, बेटे के लिए सब उसने जिंदगी निकाल. हाँ. अभी उसको मिल गई है वो जो चाहता था. हाँ. तो वो सब खूबी उसमें है. हाँ. उस औरत में तो. अच्छा. इसके लिए उनको शादी कर लेनी चाहिए. अरे एक एक करके भाई. उनको अगर पता चल गया कि बच्चों ने ये डिसीजन लिया है. हाँ. कि हमारी शादी हो जानी चाहिए और हमारी नहीं होनी चाहिए बच्चों की, तो डैड नहीं कर पाएगा. ओके. वो बच्चे को इतना पला बड़ा, इतना कर दिया और वो सोचे कि मेरा बेटा मेरे लिए इतना सेक्रीफाइस कर रहा है. हाँ. तो एंड पे आके कैसे सर वो मोमेंट को कैसे मतलब करेगा वो? सर देखो अगर चॉइस करना है तो मैं बोलूंगी उनको माँ बाप की करानी चाहिए ऑब्वियसली, बट ए आरव थोड़ा सेल्फिश लग रहा है, मुझे लगता नहीं वो कराएगा. बेटे की अपने बाप के लिए छोड़ दो ना. उसमें छोड़, क्या बाप के लिए छोड़ दो. ओके. अगर आरव शादी कर लेता है और उनके पेरेंट्स अगर दोनों साथ में रहते हैं तो उनको दोस्त के हिसाब से भी एक अच्छी कंपनी मिलती है उनकी, वो रिश्ता गलत नहीं है. लेकिन वो रिश्ते को अगर आप शादी का नाम दे रहे हैं तो वो गलत हो जाएगा. ओके. एक मिनट देखते हैं क्या होता है, फिर बातचीत करेंगे. प्लीज कितनी बड़ी इडियट हुई यार, मैं कैसे कर सकती थी ये सब, समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं. मेरी गलती थी, मैंने तुम्हें कहा था उनको गिफ्ट देने के लिए, मैंने कहा था उन दोनों की शादी करवा दो. बेवकूफों की तरह मैंने पैर पे कुल्हाड़ी नहीं बल्कि कुल्हाड़ी पे अपना पैर मार लिया है. लेकिन शनाया हमें कहां पता था तुम्हारी मॉम और मेरे पापा, आई मीन इत्तेफाक की भी हद होती है. अरे ये इत्तेफाक हमारी जिंदगी बर्बाद कर देगा. अगर उन दोनों की शादी हो गई तो हमारे रिश्ते का क्या होगा? माय गॉड. नहीं नहीं आरव ऐसे नहीं हो सकता, कुछ करो आरव. देखो शनाया पैनिक होने से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी, वी हैव टू सॉर्ट आउट समथिंग. आरव मैं उन लोगों को हमारी जिंदगी बर्बाद नहीं करने दूंगी, ऐसे सपने नहीं टूटने दूंगी मैं. मैं अभी घर जाकर मम्मी को सब बता रही हूँ, मैं जा रही हूँ. हम शादी कर लेते हैं. कल सुबह मंदिर में मिलते हैं सर. तुम और मैं शनाया, अच्छा सुनो सारी अरेंजमेंट हो चुकी हैं, तुम सुबह जल्दी मंदिर पहुंच जाना. ओके.
हैप्पी मैरिड लाइफ पापा। शनाया, मैं जानता हूं तुम मुझसे बहुत नाराज हो, लेकिन मेरे पास कोई और चारा ही नहीं था। कल जब मैं घर गया तब हैरान हो इस खत से। तुम जानते हो मैं तुम्हारा पहला प्यार हूं, पर मैं तुम्हारा आखिरी प्यार नहीं बनना चाहती। इस छोटी जिंदगी में मुझे तुमने वो सारी खुशियां दी जिनके मैं सपने देखा करती थी। अब मेरे जाने का वक्त आ चुका है, मुझे वादा करो मेरे जाने के बाद अपनी जिंदगी जियोगे दूसरी शादी करके। आरव के सामने उसकी पूरी जिंदगी होगी जिसमें आप अपने आप को अकेला पाओगे। एक नया प्यार अपनी जिंदगी में लाकर मेरी ये ख्वाहिश जरूर पूरी करना। शनाया, माँ का खत पढ़ के मैं बिखर गया था। मेरे पापा ने मेरे खातिर आज तक मम्मी की आखिरी ख्वाहिश भी पूरी नहीं करी। तब मैंने डिसाइड किया कि मैं जान के रहूंगा कि पापा क्यों बदल गए, उनको इस उम्र में शादी करने के लिए क्या जरूरत पड़ी है। शनाया, 6 महीने पहले ऑस्ट्रेलिया जाने के कुछ दिन बाद पापा को हार्ट अटैक आया और सर्जरी होने के बाद उन्होंने हमारे फैमिली डॉक्टर को भी मना कर दिया मुझे कुछ बताने से। उस टाइम पे पापा की हालत बहुत नाजुक थी, उन्हें कुछ भी हो सकता था। तब तुम्हारी मॉम मेरे पापा से मिली, उनकी जी जान से सेवा की, रिकवरी में हेल्प की और मेरे पापा को बचा लिया उन्होंने और उनके प्यार ने। शनाया, अभी हमारी जिंदगी शुरू होगी, हमें तो फिर भी कोई लाइफ पार्टनर मिल जाएगा, लेकिन उनको इस उम्र में अच्छा साथी मिलना बहुत मुश्किल है। मैंने ही आंटी को मना किया था तुम्हें कुछ भी बताने के लिए। यह फैसला मेरे लिए आसान नहीं था, लेकिन सही फैसले अक्सर मुश्किल होते हैं। हो सके तो मुझे माफ कर देना। जिन लोगों ने चाहा था कि वो अपना प्यार त्याग दे वो तो खुश होंगे शायद। आप तो ऐसा कर रहे हैं जैसे कि आपकी मैं आपकी टीम जीत गई। ये अपना हाथ ऊपर कर रही है पोलाइटली। पहले आप बोल दीजिए। ओके, मैं काफी खुश हूँ। हाँ। जो भी फाइनल हुआ, मेरे दिमाग में बार बार यही आ रहा था कि अगर हर बच्चा ऐसे सोचने लगा तो शायद अपने देश में वृद्ध आश्रम या जो भी बुजुर्ग ओल्ड एज होम है वो कम होगा। मैं काफी खुश हूँ जो एंड दिखाया यहाँ। थैंक यू। हमेशा से माँ बाप ही अपने औलाद के लिए कुर्बानी देते हैं। खुश नसीब होती है औलाद जो अपने माँ बाप के लिए कुर्बानी दे। नाइस, वेरी गुड, वेरी गुड। हमें लगता है कि हर सिचुएशन में कुर्बानी तो हमेशा पेरेंट्स को ही देनी चाहिए, पर ये बात हमें समझनी चाहिए कि जो कल हमें देने की पोजीशन में थे आज खुद उन्हें हमारे सहारे हमारे सपोर्ट की जरूरत हो सकती है। हमें समझना होगा कि अपनी खुशी के साथ साथ अपने पेरेंट्स की जरूरत का भी ख्याल रखना हमारी जिम्मेदारी है। सोचकर देखिएगा। मैं चलता हूं, फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ नए क्रॉसरोड्स पर। तब तक के लिए गुड नाइट, शब बखैर, शुभ रात्रि एंड थैंक यू। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.